हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तस्वीर और इस वीडियो के अंदर रिएक्ट करने वाला हूँ एक और छापा वाला वीडियो देखेंगे हम। ये थोड़ा डिफरेंट है, 10 ड्रामास एंड मूवी सीन विच इंडिया कॉपीड फ्रॉम पाकिस्तान। ये सीन है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। गानों पर हमने देखा है बहुत सारे, दो तीन चार छापे तो देख लिए होंगे मैंने यार। उनको देख के ही शौक था मैं कि जो फेवरेट गाने थे वो सारे के सारे कॉपीड। तो अभी देखेंगे हम ड्रामास और मूवी सीन कैसे पाकिस्तान से कॉपी किए गए हैं, क्योंकि डेट मैटर करती है। आज अगर इंडियन मूवी रिलीज़ हुई है तो एक दिन पहले भी अगर वो रिलीज़ हुई होगी या फिर दो एक आध महीना पहले रिलीज़ हुई होगी पाकिस्तान की, तो तब कॉपी माना जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, बाकी बात बाद में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। नाश्ता बना के मैंने किचन में रख दिया है, तुम बस सिर्फ चाय बना लेना। क्या बनाया है? ब्रेड। अब कान से सैंडल लगा के फोन तो नहीं पहन सकती ना? देखो मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम चाय बना लेना। क्या बनाया नाश्ते में? ब्रेड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों और ड्रामों के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने सीन बाय सीन पाकिस्तान से कॉपी किए हैं, और यहां तक के कहानी सीन्स और डायलॉग्स भी बिल्कुल सेम है। और मजे की बात यह है कि ये तमाम ड्रामे और फिल्म्स सुपर हिट गई हैं, और हैरत की बात यह है कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब छापा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इन्होंने और दुनिया की कौन कौन सी फिल्म्स के सीन्स बिल्कुल कॉपी किए हैं। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की पहली उस फिल्म की तरफ। दोस्तों सन 2000 में रिलीज होने वाली सुपर हिट फिल्म चल मेरे भाई, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिसमें करिश्मा कपूर, संजय दत्त और सलमान खान ने लीड रोल किया। इस फिल्म की कहानी 1982 में पीटीवी पर नशर होने वाले ड्रामा सीरियल अनकहीं से बहुत मिलती है, और इसका एक सीन जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसे डिट्टो छापा मारा है। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह थी कि एक शोख चंचल कम उम्र लड़की अपने पैरों पर खड़े होने के शौक में एक ऑफिस में काम करना शुरू करती है, और इसका बॉस एक बड़ी उम्र का गुस्से वाला शख्स होता है और हर वक्त इस लड़की को किसी न किसी बात पर बेइज्जत करता रहता है, लेकिन बाद में इसको इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ जो इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड धावन ने बिल्कुल उस ड्रामे से कॉपी किया है। धावन, अरे 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 ये क्या हो गया? क्या ये सब? खिड़की बंद करो, ये पेपर्स उठाओ और इन्हें स्टेपल करो प्लीज। क्या ढूंढ रही हो तुम? स्टेपलर, इसे कहते हैं स्टेपलर। अरे जल्दी करो ना। अरे ये क्या किया तुमने? Sorry, I'm sorry, sir. चाहिए स्टेपलर, आई उनको कीजिए ना स्टेपल। यहाँ क्या कर रही हैं आप? स्टेपलर ढूंढ रही हूँ। ये मेज पे सामने जो चीज रखी हुई है इसको दफ्तर में स्टेपलर कहते हैं। क्विकली जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ भाई, अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में ये कॉपी है या नहीं। दोस्तों 2011 में सोनी एंटरटेनमेंट पर एक ड्रामा रिलीज हुआ था जिसका नाम था कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो आपको याद ही होगा। ये कहानी हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ डॉक्टर्स पर बनाई गई है। इसमें एक लड़की को अपने सीनियर से मोहब्बत हो जाती है, मतलब घर में जो उनसे 20 साल बड़े होते हैं, लेकिन दोनों अपने एज डिफरेंस की वजह से शादी करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इनको लोगों की बातों का डर होता है। अगर आपको इसकी कहानी जानी पहचानी नहीं लगी तो आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, क्योंकि 1986 में पीटीवी पर नशर होने वाले ड्रामे की कॉपी है। कहानी, डायलॉग्स और एक एक सीन कैसे कॉपी किए गए ये एक सीन देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मेरा मतलब है सर, मैं डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं, मैं इनएफिशिएंट हूँ, इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है सर, मुझे माफ किया ही नहीं जा सकता। मेरी छुट्टी? No. जी वो दिलचस्पी की बात नहीं है, बात दरअसल में ये है कि आपने कहा था कि यहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं है, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, यहाँ तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जी आई डोंट थिंक आई एम टू सूटेबल फॉर दिस जॉब, तो मैं कल से ना आऊँ? क्यों? इसलिए कि
मुझसे गलतियां बहुत होती हैं यार, सेम टाइम। आप फिक्र ना करें, ये देखना मेरा काम है कि आप गलतियां ना करें। अब कमेंट सेक्शन में ये तो आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर था, छापा या ओरिजिनल। हाय हाय, कॉपी करने के जुनून में ड्रामा मेकर्स इतने आगे निकल गए कि कहानी, सीन, डायलॉग सेम टू सेम तो थे ही, ड्रामे का नाम भी सेम रख लिया। जी मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल नादानिया की। 2009 में यासिर नवाज, निदा यासिर और दानिश नवाज का एक ड्रामा जियो टीवी पर चलता था जिसका नाम था नादानिया। इसी नाम से 2013 में इंडियंस ने एक ड्रामा बनाया था। इन्होंने किस हद तक कॉपी किया है इसके एक सीन से आपको बाखूबी अंदाजा हो जाएगा। अब कान से सैंडल लगा के फोन तो नहीं पहन सकती ना? देखो मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम चाय बना लेना। क्या बनाया नाश्ते में? ब्रेड। घर छोड़ के हर जगह इज्जत है मेरी। और ये बात तुमने मुझसे आज तक छुपा के रखी? अब सैंडल कान में लगा के फोन पहनने से नाश्ता बना के मैंने किचन में रख दिया है, तुम बस सिर्फ चाय बना लेना। क्या बनाया? ब्रेड। घर के अलावा हर जगह इज्जत है मेरी। सेम है यार, लोग कर लो यार। 2008 में आमिर खान की फिल्म गजनी ने तो कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इस फिल्म ने छापा मारने का रिकॉर्ड भी खुद ही कायम किया क्योंकि इस फिल्म को हॉलीवुड की फिल्म मोमेंटो से, हाँ हॉलीवुड का बता सकते हैं। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Please say any negative thought. I pop off when I hear people say I cannot. Keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't. उनकी बहुत सारी फिल्म्स अच्छी लगी, लेकिन थ्री इडियट्स वो फिल्म है जब भी मैं कभी उदास होता हूँ इसे लगा कर देखता हूँ और मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इस फिल्म का भी ये सीन आप देख लें, ये भी एक हॉलीवुड की फिल्म से कॉपी किया गया। आइए देखते हैं। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं। कौन है तुम लोग? तुम्हारा रोल नंबर क्या है? सर कांग्रेचुलेशंस, यू हैव फेल्ड। Do you even know my name? No, I don't know your name. No, you don't. दोस्तों मशहूर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां अपने दौर की सुपर हिट फिल्म है और उस वक्त के सुपरस्टार्स गोविंदा और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में लीडिंग रोल अदा किया और रवीना टंडन और गोविंदा की जोड़ी तो लोगों को बेहद पसंद आई। इस फिल्म की कहानी तो आप छोड़ ही दें क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन खास तौर पर मैं आपको एक सीन दिखाना चाहूंगा जो पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ के ब्लॉकबस्टर ड्रामा हमसा हो तो सामने आए से कॉपी किया गया। ये ड्रामा पीटीवी पर 1991 में चला। चले पहले छापा सीन देखते हैं और फिर ओरिजिनल। जब्बार मोहन सिंह को पकड़ने निकला तो हम दोनों में जबरदस्त चेस। वो आगे आगे पैदल, मैं पीछे 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 पीछे। ये सीन देखा था, मतलब मूवी देखी है, सीन भी देखा होगा। अंदर धस्ता चला जाता। देख क्या रहे हो? डरने की बात है सालो, डरो। समझ में नहीं आ रहा अपनी जान। डरने की बात है। पड़ोस वाले गांव में गया, रस्सी लेकर आया, खुद को निकाला यहाँ। डाकू भाग रहा है, डाकू पैदल, मैं जीप में, लो दल दल, अकेला मैं, आहिस्ता से दल दल में जा रहा हूँ, मैं इंसान ना चिरंद ना पुरन, अकेला मैं, उमर शरीफ, दल दल में जा रहा हूँ, कोई बचाने वाला नहीं, उमर शरीफ के ड्रामे हमसा हो तो सामने आए का एक और सीन गोविंदा की वो फिल्म जो 1995 में रिलीज हुई थी गैम्बलर में भी कॉपी किया गया। आइए पहले देखते हैं छापा और फिर ओरिजिनल। जब भी किसी का फोन आए तो तुरंत मत उठाना, इसलिए कि पब्लिक को लगना चाहिए कि पुलिस इज बिजी। हेलो, मैंने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में बम रख दिया है। अरे भाई साहब, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपने बम रखा कहाँ पे? वो जो बहरा है ना, हाँ हाँ, उसके जेब में। ए, हिला मत। आप घर जाइए, आपकी छुट्टी है। क्या कहा? आपकी छुट्टी है, आप घर जाके फटिए, आपके छितरे उठाने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास। हमेशा टेलीफोन देर उठाओ, क्यों? बम मसरूफ है। हेलो, मैंने थाने में बम रख दिया है। क्या आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि आपने बम कहाँ रखा है? बम संतरे की जेब में है। तुम्हारी छुट्टी, जिम जाओ बेटे, जाओ
अच्छी बात है, अपने घर जाके फटो, चलो। दोस्तों ये थे कुछ ड्रामे और फिल्में जो कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी मूवीज और ड्रामा से कॉपी किए, और भी दुनिया की बहुत सारी मूवीज से उन्होंने सीन निकाल कर कॉपी किए। गाइस तो सच में बहुत सारे सीन इसमें कॉपी निकले हैं पाकिस्तानी मूवीज और पाकिस्तानी ड्रामा से। एंड वो जो संजय दत्त की मूवी, संजय दत्त और गोविंदा की मूवी थी, सेम बिल्कुल डिट्टो सीन था यार, बिल्कुल सेम कॉपी। वो टाई को पंच कर देना विद द पेपर्स, वो वाला सीन बहुत ही, मतलब बहुत क्या, पूरा का पूरा सेम ही था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए इन्होंने जो हॉलीवुड से भी थे कुछ सीन्स। गजनी मूवी और थ्री इडियट्स तो लाजवाब मूवी थी आमिर खान की, जो कि हमें बहुत पसंद आई थी। इतना ज़्यादा क्रेज़ था हमारे अंदर उसको देखने का, दोनों मूवीज़ को बहुत बार देखी हैं, अमेजिंग मूवी थी। थोड़े से सीन कॉपी किए हुए हो सकते हैं, लेकिन मूवी में काम और मूवी में मेहनत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की गई है उसको निभाने के लिए। ये तो मैं कह सकता हूँ कि यार सीन जब कॉपी होते हैं ना, कॉपी मिलते हैं कहीं किसी और से, कॉपी होते हैं और पाकिस्तान से कॉपी होते हैं, तो वो सीन देखकर यार, सीन हो, गाने हो या कुछ भी हो, बड़ा ही दुख होता है, मतलब अजीब लगता ही है। और भी सीन थे इसमें, जैसे तन्हाइयां ड्रामा का बता रहे थे, एक उम्र का जो गैप होता है उनके अंदर अफेयर वाला सीन जो था ड्रामा, वो पूरा ड्रामा फुल टिट्टो कॉपी था। चाहे वो ब्रेड वाला ड्रामे वाला सीन हो, वो कॉपी है पाकिस्तान से। और उमर शरीफ के कॉमेडी वाला सीन, वो भी मतलब पुराने टाइम में भी मतलब उठाया करते थे, ऐसा मानना बड़ा ही अजीब लगता है कि पुराने टाइम में भी कॉपी वाला सीन था। आजकल तो चलो बहुत ज़्यादा टेंशन और ये वो है तो उसमें उठा लेते हैं लोग कि हाँ चलो कॉपी मार लो यार, इतना लोड कौन क्या देना दिमाग पर, लेकिन उस टाइम में भी कानों से हटके एक और छापा देखने को मिला भाई, और कितने क्या क्या छापे हैं। इसको देखकर मज़ा तो आया, जानने को भी मिला बहुत सा कुछ, और कुछ ना कुछ अंदर से ये भी लगता है कि यार हमारा ये चीज़ फेवरेट थी यार बहुत, लेकिन वो छापा निकली तो उससे दिल अड़ जाता है एकदम। कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।